हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी कैलकुलेटिंग मिसिंग फिगर्स वरायटी फ्रॉम दी बैलेंस शीट तो इसमें हम एक नए टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे पिछले क्वेश्चनस में हमने बैलेंस शीट्स किस तरीके से फ्रेम्ड करनी है कैसे क्वेश्चन मार्क्स को फाइंड आउट करना है वो सारी चीज़ें हमने सीख ली थी अगर हम ये वराइटी की बात करें तो इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था इस पार्ट में आपके फार्मूलाज जो है वो क्लियर होने चाहिए और जितने भी फॉर्मूलाज आप प्रेजेंट करके जितने भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में रहेंगे उसके बेसिस पे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हमको सॉल्व करना है फॉलोइंग बैलेंस शीट इज गिवन टू यू कंपनी का नाम है एम एम के लिमिटेड शेयर कैपिटल ब्रैकेट में दिया है नेटवर्थ मतलब ये हमारा नेटवर्थ ही हमारे पास अवेलेबल है उसके बाद अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग लॉन्ग टर्म डेट्स तो लॉन्ग टर्म डेट्स है हमारे पास क्वेश्चन मार्क तो लॉन्ग टर्म डेट्स भी हमारे पास अवेलेबल है लेकिन अमाउंट में क्वेश्चन मार्क है वो हमें फाइंड आउट करना है वी विल फाइंड आउट दिस वेरी सिंपल कैलकुलेशन करंट लाइबिलिटीज हमारे पास क्वेश्चन मार्क है फिक्स असेट्स क्वेश्चन मार्क है असेट साइड में हमारे पास इन्वेंट्रीज दैट इज कॉल्ड एज द स्टॉक डेटर्स एंड कैश बैलेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क है तो इन सारे क्वेश्चन मार्क्स को हमको कैलकुलेट करना है तो चलते हैं सीधा एडिशनल इंफॉर्मेशन पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिया है एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द ईयर इज फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड तो वी आर हैविंग सेल्स फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड सेल्स टू नेटवर्थ इज फोर टाइम्स टोटल डेट टू नेटवर्थ इज जीरो करंट लाइबिलिटीज टू नेटवर्थ इज जीरो पॉइंट टू फाइव इज टू वन करंट रेशियो दिया है हमको थ्री पॉइंट सिक्स इज टू वन सेल्स टू इन्वेंट्री फाइव टाइम्स है एवरेज कलेक्शन पीरियड थर्टी सिक्स डेज दिया है यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन कैलकुलेटिव है यहां पे लेट अस सी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल विद ऑल द फॉर्मुलाज ऑफ रेशियो एनालिसिस वी आर हैविंग बैलेंस शीट वी आर हैविंग पी एंडल एंड वी आर द कंसोलिडेटेड रेशियोज तो ऐसे हमारे पास तीन रेशियोज है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और फार्मूला क्लियर होने के बाद आप सबसे पहले ये चेक करें कि आपके पास क्वेश्चन में कौन सा अमाउंट अवेलेबल है तो हमारे पास यहाँ पे सेल्स का अमाउंट अवेलेबल है और ये सेल्स टू नेटवर्थ फोर टाइम्स दिया है तो शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन देखो सबसे पहले हमको सेल्स दिया है क्वेश्चन में कितना दिया है सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है एंड दैट इज़ फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड राइट एंड सेल्स टू नेटवर्थ हमको दिया है तो मैं नंबर वन डालता हूं सेल्स टू नेटवर्थ तो सेल्स टू नेटवर्थ इज गिवन टू यू व्हाट इज दिस नेटवर्थ नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स अगर इनको इसको और बाइफरकेशन में सीखे तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये सभी का कैलकुलेशन जब करते हैं तब हमें नेटवर्थ आता है नेटवर्थ को ही हम शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं सेल्स टू नेटवर्थ जो दिया है दैट इज हाउ मच दैट इज फोर टाइम्स तो सेल्स टू नेटवर्थ इज फोर टाइम्स दिया हुआ है अभी हम इसको कर लेते हैं सेल्स हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है नेटवर्थ इक्वल टू फोर टाइम्स ठीक है काफी सिंपल कैलकुलेशन है तो अभी हम क्या करेंगे फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड नेटवर्थ इक्वल टू मल्टीप्लेड बाय फोर करेंगे बाय 4, तो आपको नेटवर्थ का आंसर मिल जाएगा 18 कितना मिल जाएगा 18 लाख तो दिस इज़ आंसर ऑफ़ नेटवर्थ जैसे-जैसे हमको आंसर्स मिलते जाते हैं वैसे वैसे फॉर्मेट में जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया एंड दैट इज 18 लाख रुपीस तो 18 लाख इज अवर शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड एज नेटवर्थ तो वी हैव डन विद द नेटवर्थ अभी हमको लॉन्ग टर्म डेट्स को कैलकुलेट करना है देखो नेटवर्थ हमको मिल गया अभी हम अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो वी हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन टोटल डेट टू नेटवर्थ इज जीरो पॉइंट टू वन तो सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करते हैं टोटल डेट टू नेटवर्थ बोल रहा है तो टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ ठीक है इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स फाइव इज़ टू वन तो ये ज़ीरो पॉइंट सिक्स फाइव आपका डेट है वन आपका नेटवर्थ है तो चलो अभी सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो टोटल डेट हमको पता नहीं है तो टोटल डेट हमने ऐसे ही लिख दिया डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज़ एटीन लैक्स तो डिवाइडेड बाय एटीन लैक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्सटी फाइव इज़ टू वन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एटीन लैक्स को हम जीरो पॉइंट सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग दी एंसर एस टोटल डेट हाउ डू वी गेट दैट 18 लैक्स इंटू जीरो पॉइंट सिक्सटी मल्टीप्लाई करना है सिंपल कैलकुलेशन तो यू विल गेट दी आंसर एज 11 लाख सेवेंटी थाउजेंड तो दिस इज टोटल डेट ये मिल गया टोटल डेट सीधा फॉर्मेट में चलते हैं और टोटल डेट को यहाँ पे हम जो है वो प्रेजेंट कर लेते हैं ग्यारह लाख सत्तर हजार हमने यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट कर लिया ठीक है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है इलेवन लैक् सेवेंटी थाउजेंड हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स जो है या टोटल डेट्स जो है वो मिल चुका है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है करंट लाइबिलिटीज टू नेटवर्थ जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव टू वन करंट लाइबिलिटीज टू नेटवर्थ बोल रहा है तो यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज टू नेटवर्थ कितना बोल रहा है फॉर्मूला में जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव इज टू वन तो हमें करंट लाइबिलिटीज पता नहीं है नेटवर्थ हमने ढूंढा था एंड दैट वाज एटीन लैक्स तो सिमिलर कैलकुलेशन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एटीन लैक्स ,00 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो हमें करंट लाइबिलिटीज मिल जाएगा एंड दैट विल बी फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड सिंपल कैलकुलेशन आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट एवर आई एम कैलकुलेटिंग ओवर हीयर तो हमको सिंपल चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि हर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट रिलेटेड है तो वो हमको मिलते जा रहा है चलते हैं सीधा फॉर्मेट में और करंट लाइबिलिटीज को भी प्रेजेंट कर देता हूँ करंट लाइबिलिटीज हमको अभी मिल गया फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड करंट लाइबिलिटीज मिल चुका है इसका मतलब लाइबिलिटी साइड का डेटा हो चुका है अठारह लाख ग्यारह लाख सत्तर हजार चार लाख पचास हज़ार ये सभी को आपको ऐड करना है तो यू विल गेट दी आंसर ओवर हियर ट्वेंटी नाइन लाख सेवेंटी थाउजेंड ये मिल चुका है अब असेट साइड ढूंढते हैं बाकी सारी चीज़ें भी मिलते रहेगी धीरे धीरे करंट रेशियो यहाँ पे दिया है थ्री पॉइंट सिक्स टू वन तो हम अभी करंट रेशियो से करंट असेट्स ढूंढने का ट्राई करते हैं नंबर फोर्थ करंट रेशो फॉर्मूला आप सभी को पता होगा करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज तो करंट रेशो कितना दिया था थ्री पॉइंट सिक्स टू वन तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री पॉइंट सिक्स टू वन डिवाइडेड बाय करंट असेट्स मुझे पता नहीं है करंट लाइबिलिटीज अभी अभी मिल गया फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड तो आप क्या करेंगे फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेटिंग द आंसर करंट असेट्स मिल जाएगा कैसे मिलेगा फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट सिक्स तो करंट असेट्स का वैल्यू आ जाएगा सोलह लाख बीस हजार सिक्सटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो चलते हैं सीधा फॉर्मेट में और इसको प्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे देखो ये जो करंट असेट्स है हमारा इन सभी का टोटल मतलब स्टॉक डेटर्स स्टॉक डेटर्स एंड कैश इन सभी का टोटल हमको मिल गया दैट इज सिक्सटीन लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड अब हमें क्या करना है बाइफरकेट करना पड़ेगा कि स्टॉक कितना है डेटर्स कितना है और कैश कितना है लेटर्स फाइंड आउट कैसे फाइंड करना है देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल्स टू इन्वेंट्री दिया है फाइव टाइम्स सेल्स टू इन्वेंट्री इन्वेंट्री मतलब क्या होता है आपका स्टॉक होता है तो सेल्स टू इन्वेंट्री यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स टू इन्वेंट्री जो भी पहला पॉइंट है वो आपका न्यूमरेटर में आएगा जो भी दूसरा पॉइंट है वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा तो सेल्स बाय इन्वेंट्री कितना दिया है सेल्स बाय इन्वेंट्री दिया है फाइव टाइम्स तो इसको हम लोग फाइव लिखेंगे सेल्स कितना था आपका सेल्स था फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड तो फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री इन्वेंट्री इज नथिंग बट इट इज़ क्लोजिंग स्टॉक राइट तो इक्वल टू फाइव तो क्या करेंगे फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड को फाइव से डिवाइड कर लोगे तो आपको स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी and that will be your inventory 4, 50, divided by 5, and that comes to 90, so stock की value मुझे मिल गई है ninety thousand ज्यादा wait नहीं करते हैं सीधा format में जाते हैं stock के सामने यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कर देंगे नाइन्टी थाउजेंड ठीक है सिक्सटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड में से नाइनटी थाउजेंड हमारा स्टॉक आ चुका है अभी हमें डेटर्स और कैश में से एक चीज फाइंड करनी है या दोनों भी मिल सकती है देखते हैं कैसे कौन से कौन से पॉइंट्स मिलते हैं देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज 360 डेज इन अ ईयर ऐसे केस में क्या करना है आपको अगर डेज देता है तो क्या करना है ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को तो अगर हम सबसे पहले डेटर्स टर्न रेशियो का फार्मूला देखते हैं डेटर्स टर्न रेशियो का एग्जैक्ट फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स क्या है फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स ठीक है एकदम और डीप में जाएंगे तो व्हाट इज दिस एवरेज डेटर्स एवरेज डेटर्स विल बी ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय टू लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल भी रहता है तो बिल्स रिसीवेबल भी एवरेज डेटर्स का पार्ट बनता है लेकिन हमारे क्वेश्चन में अभी डेटर्स टर्न ओवर रेशियो नहीं दिया है हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है जो भी हमेशा दिया होगा उसी से हम लोग कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में तो डेटर्स टर्नओवरिशो नहीं है वी हैव एवरेज कलेक्शन पीरियड और ये एवरेज कलेक्शन पीरियड में कन्फ्यूजन ये होता है कि कभी ये मंथ्स में दिया जाता है कभी ये डेज़ में दिया जाता है कभी ये वीक्स में दिया जाता है तो अगर मंथ्स में देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हम ट्वेल्व लेंगे वीक्स में देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ वीक्स हम 52 लेंगे और डेज़ में देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ हम यूजुअली 365 होता है लेकिन क्वेश्चन में 360 सिक्सटी डिया रहता है जैसे हमको बोला है अभी एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दिया है हमको 36 डेज करके क्वेश्चन में दिया है एंड टोटल नंबर ऑफ डेज हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि थ्री डेज लेना है देखो ऐसे केस में बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको क्या करना है ये फॉर्मूला जो आपका डेटर्स टर्न ओवर रेशो का था ना उसको उल्टा कर देना है जैसे अभी हम इसको उल्टा कर देंगे एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मतलब मैं फिलहाल नेट सेल्स ही लिखता हूँ बिकॉज इस क्वेश्चन में क्रेडिट वगैरह नहीं है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज कितना है थर्टी सिक्स डेज है थर्टी सिक्स इन्होंने डेज दिया है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितना है थ्री सिक्सटी ठीक का है काफी सिंपल एवरेज कलेक्शन पीरियड का आंसर थर्टी सिक्स है थर्टी सिक्स इक्वल टू एवरेज डेटर्स हमको पता नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे एवरेज डेटर्स वैसे ही लिख दिया डिवाइडेड बाय सेल्स का वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थ्री सिक्सटी तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है बहुत ही सिंपल फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करना है थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करना है और थ्री सिक्सटी से डिवाइड करना है तो आपको मिल जाएगा डेटर्स की वैल्यू तो डेटर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी एंड दैट विल बी फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है आई होप की यू हैव गॉट दिस कैलकुलेशन अगर आपके क्वेश्चन में कभी आपको नंबर ऑफ डेज दिए तो हम लोग नंबर ऑफ डेज लेंगे अगर आपके क्वेश्चन में आपको वीक्स दिए तो हम लोग नंबर ऑफ वीक्स लेंगे अगर आपको क्वेश्चन में मंथ्स दिए तो हम नंबर ऑफ मंथ्स लेंगे डेटर्स का वैल्यू मुझे मिल चुका है चलते हैं सीधा फॉर्मेट में और फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं डेटर्स की वैल्यू को तो डेटर्स की वैल्यू मुझे मिल गई है फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है बहुत सिंपल लेकिन अभी हमारे पास कैश की वैल्यू नहीं है हम ढूंढ सकते हैं ट्वेंटी हमारा टोटल करंट असेट्स है तो ये सिक्सटीन लाख ट्वेंटी हमारा टोटल करंट असेट्स है इसमें से ये स्टॉक कितना है ये स्टॉक है नाइन्टी थाउजेंड बराबर है काफी सिंपल अभी ढूंढ लिया स्टॉक नाइन्टी थाउजेंड है फिर हमारा ये अभी आपने ढूंढ लिया डेटर्स फोर्टी फाइव थाउजेंड है तो बाकी का जो भी बचेगा वो आपका क्या बन जाएगा वो आपका कैश का बैलेंस बन जाएगा तो काफी बड़ा अमाउंट आ जाएगा फोर्टीन लाख ,00 एटी फाइव थाउजेंड हाउ डू वी कैलकुलेटेड दिस सिक्सटीन लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड माइनस नाइनटी थाउजेंड माइनस फोर्टी फाइव थाउजेंड तो यू गॉट दिस फोर्टीन लैक एटी फाइव एज बैलेंसिंग फिगर तो वो हम लोग अभी यहाँ पे लिख लेंगे फोर्टीन लाख एटी फाइव थाउजेंड अगर आप ये तीनों को प्लस करते हो तो आपको सिक्सटीन लाख ट्वेंटी की वैल्यू मिल जाती है लेकिन अभी भी एक मिसिंग फिगर है हमारे पास फिक्स असेट्स चलो उसको कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं. फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ दिया है सेवेंटी फाइव परसेंट बहुत ही सिंपल है तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बोल रहा है फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ तो फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ इज हाउ मच परसेंट इट इज सेवेंटी फाइव परसेंट तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेवेंटी फाइव परसेंट तो फिक्स असेट्स मुझे पता नहीं है तो हम फिक्स असेट्स ऐसे ही लिखेंगे नेटवर्थ की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी एटीन लैक्स इक्वल टू सेवेंटी फाइव परसेंट तो बहुत सिंपल है तो कैसे करना है एटीन लैक्स का सेवेंटी फाइव परसेंट ढूंढ लेना है एटीन लैक्स का सेवेंटी फाइव परसेंट आप अगर ढूंढेंगे तो आपको फिक्स असेट्स की वैल्यू मिल जाएगी एंड फिक्स असेट्स की वैल्यू आ जाएगी थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड विल बी योर वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स एंड वी गॉट फिक्स असेट्स विच वाज अवर लास्ट कैलकुलेशन लेट अस सी द फॉर्मैट फॉर्मैट में प्रेजेंट करके देखते हैं टैली होता है कि नहीं तो ये मैंने यहाँ पे फिक्स असेट्स की वैल्यू लिख दी थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड की तो अभी हमको क्या करना है फिक्स असेट्स थर्टीन लैख फिफ्टी है और ये सभी को प्लस करना है ये अगर आप सभी को प्लस करेंगे तो अब आपको आंसर मिल जाएगा ट्वेंटी नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड दिस इज योर बैलेंस शीट पूरा बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो चुका है और टैली भी हो चुका है आर क्वेश्चन चेंज होंगे वो कोई और पॉइंट्स में पूछे जाएंगे लेकिन कैलकुलेशन आपको इसी तरीके से करना है तो दीज आर द क्वेश्चन विच आर कॉल्ड एज रिवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द फॉर्मूलाज फ्रॉम द रेशियोज वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द बैलेंस शीट तो इसी पार्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको इस चैप्टर के ये जो भी वैरायटी हम अभी सॉल्व कर रहे हैं उस पर ग्रिप आ जाएगा फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है और ये कैलकुलेशंस भी उसी तरीके से हम करेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय टेक केयर